नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद अखंड भारत सामाजिक क्रांति की एक नई क्रांति। प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद के अजय मौर्य जी को पुनः प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उन्होंने सामाजिक मीटिंग में स्वामी प्रसाद मौर्य जी का समर्थन किया। समाज पे आज इतना अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ पूर्व मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बयान दिए हैं वो तो बहुजन के खिलाफ ही था, उस पर कोई शक नहीं है। आप उस पर जो है, और आपकी संस्था संगठन संगठन उनके साथ क्या चाहती है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि जो आपने समाज के उत्थान एवं समाज के विकास हेतु परम पूज्य बहुजन नायक, एक बहुजन नेता के रूप में उभरे आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के विषय में आपने जो शब्द रखे हैं, मैं स्पष्टीकरण में कहना चाहता हूं कि आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो ये ढोल गंवार शूद्र पशनारी तारण के अधिकारी जैसे शब्द का प्रयोग अगर रामायण में लिखा गया है तो आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने रामायण की निंदा नहीं की, ना ही किसी महापुरुष की निंदा की, बल्कि उन शब्दों की निंदा की है जिसे हम सभी लोगों को खुले शब्दों में करनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर रामायण का अपमान नहीं किया गया है, किसी देवी देवताओं का अपमान नहीं किया गया है, बल्कि हम 85 शूद्रों का अपमान किया गया है। और मैं अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद सामाजिक संगठन आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण समर्थन करता है। और सर्वप्रथम नमो बुद्धाय, जय मौर्य वंश। मैं अजय मौर्य प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद सामाजिक संगठन के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी आदरणीय संगठन संस्थापक महोदय जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उमेश मौर्य जी, राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय रणविजय मौर्य जी, राष्ट्रीय कार्यप्रमुख आदरणीय दिनेश मौर्य जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय विकोदर मौर्य जी, राष्ट्रीय मंत्री आदरणीय बलराम मौर्य जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय दिलीप कुमार मौर्य जी एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी के समस्त पितातुल्य बड़े भाई एवं बहनों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मुझे उस योग्य समझा और मुझे पुनः उत्तर प्रदेश कार्यकारिणी का प्रदेश अध्यक्ष पद से सम्मानित किया।